हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है गिलोय की कटिंग्स कैसे लगाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और देखिए यहाँ पर मैंने कई कटिंग्स ग्रो कर रखी हैं। पतली पतली कटिंग्स हैं गाइस, इनको मैंने बस ऐसे ही लगा दिया था। वैसे ये कोकोपीट का मिक्सचर है, बट आप इसको नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आराम से ये प्रोपोगेट हो जाती है और 7 से 8 दिन के अंदर इसमें छोटे छोटे ये लीव्स निकलने लगते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं किसी भी तरीके की सॉइल में। और फिर इसको आप जो है दूसरे किसी भी पॉट में रिलोकेट कर सकते हैं। मैं आपको और अपने प्लांट्स दिखाता हूँ। और यहाँ पर एक मैंने लगा रखा है, ये भी गिलोय है। ये मैंने इसी छोटे वाले प्लांट से लगा कर यहाँ पर लगा दिया था और ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर भी एक गिलोय का प्लांट मैंने ग्रो कर रखा है, काफ़ी अच्छा ये भी ग्रो कर रहा है। इसके भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था इसको और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है गाइस। बस आपको लगाने के बाद पानी देते रहना है। और अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है तो आप छोटे से पॉट में लगा के सेमी शेड एरिया में या शेडी एरिया में रख दीजिए और वाटरिंग करते रहिए बस, और ये आराम से ग्रो होता रहेगा। और ये मनी प्लांट का पौधा है। और मैंने गाइस यहाँ पर भी गिलोय का प्लांट वैसे ही कटिंग से ही ग्रो कर रखा है और अभी आप देख सकते हो एक कटिंग और यहाँ पर लगी हुई है। अब ये अभी तो वैसे ये ग्रीन है, हो सकता है जर्मिनेट कर जाए, बट ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं गिलोय के। तो गाइस ये वीडियो गिलोय के ऊपर ही थी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।